और शुबा इसलिए पैदा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद असेंबली के अंदर ये कह चुके कि मैं ऐसे लोगों को मिट्टी में मिला दूंगा। ये दूसरा ऐसा वाक्य हम देख रहे हैं कि एक कन्विक्टेड प्रिजनर को जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। शक नहीं है, यकीन है, यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है। 28 मार्च की शाम उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। जेल में अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद गंभीर हालत में अंसारी को मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 29 मार्च को मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के बाद शव उनके बेटे उमर अंसारी को सौंप दिया गया। लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत पर अब विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवार ने दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। उनके बेटे ने अपने एक बयान में कहा है कि उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पर विश्वास नहीं है। हमने डीएम बांदा को चिट्ठी लिखकर दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। वो उनकी प्रक्रिया है, हमने तो लिख कर दिया है कि दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से कराया जाए, हमें यहाँ की चिकित्सा प्रणाली और शासन प्रशासन पर विश्वास नहीं है। वो सोशल मीडिया पर भी है और मीडिया को भी हमने मुहैया करा दिया। आप लोग को सब पता है कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। शक नहीं है, यकीन है, यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद राजनीतिक गलियारों में भी गर्माहट बढ़ गई है। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी की सांस्थानिक हत्या कानून, संविधान, नैसर्गिक न्याय को दफन कर देने जैसा है। तो वही कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने यहां तक कह दिया है कि उत्तर प्रदेश के सीएम ने विधानसभा में कहा था ऐसे लोगों को मिट्टी में मिला दूंगा, जिसके बाद लोगों में शक होना लाजमी है। शक और शुबा इसलिए पैदा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद असेंबली के अंदर ये कह चुके कि मैं ऐसे लोगों को मिट्टी में मिला दूंगा। हालांकि ये बयान बहुत काबिल एतराज़ बयान था, लेकिन उसके बाद अतीक के साथ जो कुछ हुआ, मुख्तार अंसारी के साथ जो कुछ हुआ, तो उस पर लोगों को शक और शुबा निश्चित तौर से पैदा होगा। और जिस तरीके से सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में दफ़ा 144 लगा दी, बहुत सारे ज़िलों में सिक्योरिटी बढ़ा दी, अगर उसकी नेचुरल डेथ है तो ये सिक्योरिटी बढ़ाने का क्या मतलब है? सरकार किस बात से डरी हुई है? फिर तो ये सब नहीं होना चाहिए था। इसलिए अगर इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होती है तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले में सही जांच की मांग की है। किसी भी डिसीज के फैमिली मेंबर कोई बात कहते हैं तो उसको आपको सीरियस लेने की बहुत जरूरत है। और अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में भी वो लोग गए थे, जिसमें उन्होंने इस एप्रिहेंशन का इजहार किया था उस फैमिली ने कि उनको प्रिजन में ही मार दिया जाएगा, कि कोई अंदर आएगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट को उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये बताया कि उनकी हिफाजत की जाएगी, उनकी जान की। और जब उनकी फैमिली कह रही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है, और उनके बड़े भाई जो MP हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस जेल से अस्पताल को लेकर गए वहां पर वो कंसर्न डॉक्टर्स नहीं थे जो पॉइजन उनको दिया गया, और उसके बाद उनको फौरन एक दिन के अंदर या दो दिन के अंदर वापस हॉस्पिटल जेल भेजा दिया गया, जिससे उनकी मौत वाकई में हुई है, तो मैं ये चाहूंगा कि इसकी एक सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आते ही उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बांदा के साथ साथ यूपी के सभी जिलों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स को पेट्रोलिंग बढ़ाने के भी आदेश दिए गए हैं।